हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने लगे हैं मीडियन. इन केस हमें इंक्लूसिव सीरीज मीडियन में गिवन है, हम मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे. अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिनमें जिनमें वन वन का डिफरेंस होता है हर वैल्यू में. जैसे क्वेश्चन है, उसने लिया वैल्यू वैल्यू 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50. एंड हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 4, 12, 20, 9 and 5. नाउ अगर हमें ये इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, सबसे पहले हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में टर्न करेंगे. जब हमें मीडियन निकालना है, हमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में टर्न करना ही पड़ेगा. सो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 और 11. 10 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है. तो अगर ये 1 का डिफरेंस है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 0.5. सो हम 0.5 को माइनस कर देंगे 1 से और 10 में एड ऑन कर देंगे. वैसे ही 11 में 0.5 माइनस हो जाएगा और 20 में एड हो जाएगा. इसी तरह हम अपनी सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे. ये हमने टर्न कर लिया है अपनी सीरीज को. अब मैं यहाँ एक रेपिटेशन में फ्रीक्वेंसी फिर से लिख रही हूँ, जस्ट इसका रेपिटेशन ताकि आपको कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम सीएफ बनाते हैं, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो ये क्या आएगी, 4 4 12 16 16 20 36 36 9 45 45 5 50. नाउ ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 50 है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, n डिवाइडेड बाय 2. सो ये हमारे पास आएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 25. मतलब 25th आइटम हम लेंगे. ये हम अपनी देखते हैं सीएफ में. सीएफ में 25th से बड़ी, मतलब ये वाली सीरीज को हम सेलेक्ट करेंगे. सो हम इस पर्टिकुलर सीरीज को सेलेक्ट करेंगे. इसमें से सबसे पहले 36 इसका क्लास इंटरवल है 20.5 से 30.5 तक. नाउ हमें ये पता चल गया कि जो मीडियन है लाइज बिटवीन 20.5 to 30. नाउ अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस N डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू I. सो फॉर्मूले में हम लगा देंगे इसकी वैल्यूज. F हम लेते हैं, CF हम ये वाले सेलेक्ट करते हैं और F उस प्रेजेंट वाले का ही. सो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. इनको सॉल्व करके आपके पास मीडियन आ जाएगा 25. This is your answer. Please subscribe my channel for more videos. Thank you.